एक बुजुर्ग का वाकया लिखा है कि बड़े अल्लाह वाले आदमी थे, उनके पानी के जहाज चलते थे, यानी इतने मालदार आदमी। किसी ने इतला की कि हजरत आपका एक जहाज डूब गया है, तो उन्होंने गर्दन झुकाई और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दूसरे दिन इतनी इतला आई कि दूसरा जहाज भी डूब गया है, फिर गर्दन झुकाई, सोचा कुछ, उसके बाद कहा अल्हम्दुलिल्लाह। दो तीन दिन के बाद इतला आई कि हजरत वो जो जहाज डूबे थे इतफाक से वो बच गए और माल भी बच गया। फिर गर्दन झुकाई और गर्दन झुकाने के बाद कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कहने लगे अजीब बात है, माल जा रहा है तो भी अल्हम्दुलिल्लाह और बच रहा है तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने फरमाया कि भाई पहली बात तो ये कि मुझे ये ईमान है कि जिस माल की मैं ज़कात अदा कर रहा हूँ वो माल कभी ज़ाया नहीं होगा। और जब मुझे ये इत्तला मिली कि जहाज डूब गया है, तो मैंने अपने दिल को झांका कि कहीं माल की मोहब्बत दिल में तो नहीं है, कहीं गम तो नहीं हो रहा है। तो मैंने अपने दिल को देखा कि कोई गम नहीं था, उस पर मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, यानी माल जाने से कोई गम नहीं हुआ। और जब दूसरे दिन इतला आई कि नहीं जहाज तो बच गए, सामान भी बच गया, तो भी मैं अपने दिल को देखा कि खुशी तो नहीं है कोई माल की तरफ में, तो कोई खुशी नहीं थी, तो उस पर भी मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ना माल जाने से कोफ्त हुई, तकलीफ हुई, और ना माल के आने से खुशी हुई। माल तो ज़रूरत की चीज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पैसे को ना तो आप पाँव में रखो और पैसे को ना आप जो है जलील करो और ना ही उसको सर पर रखो, बल्कि उसको बीच में रखो, जेब में रखो। ये ज़रूरत की चीज़ है, जब ज़रूरत हो तो इसको इस्तेमाल कर लो, लेकिन इसकी मोहब्बत जो है ईमान को खारिज कर देती है। जहाँ इसकी मोहब्बत आएगी वहाँ ईमान मुश्किल से ठहरेगा।